भारत का चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मिशन मून की सफलता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लैंडर की सफल लैंडिंग पर देश समेत दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। रूस के लूना 25 की असफलता के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा। इसरो के स्पेस में बढ़ते दबदबे को पूरी दुनिया सलाम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी लोग भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब इंसान एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको काम में भी सक्सेस मिली जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके। चांद पर फतह के भारत के इस कदम से पड़ोसी मुल्क में भी खलबली मच गई है। पाकिस्तानी जनता अपने मुल्क की सरकार और सिस्टम को नाकामी के लिए कोस रही है। लोगों का मानना है कि भारत के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम से उनका देश 50 साल पीछे हो गया। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है। कहने में कोई कबाहत नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो। पाकिस्तान आज भी वही लाचार, गरीब और बेसहारा मुल्क है जिसका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। शायद यही वजह है कि जहां एक ओर भारत के चंद्रयान 3 मिशन की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार, सिस्टम और अपने नेताओं को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, हमारे पास स्कूलिंग में लोग वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में है, इंडिया में है। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं जो कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ग्रूम करते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना रिसोर्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा उनका शेयर है। पाकिस्तानी आवाम सरकार और सिस्टम को मुल्क की नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो इसकी वजह है कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का मिशन मून पर बेतुका बयान। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। सुना आपने, सोचिए जिस मुल्क का साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहा हो, वो मुल्क क्या खाक चांद पर जाने की हिमाकत करेगा? जैसे भारत में स्पेस एजेंसी इसरो है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी सुपारको है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की नींव इसरो से पहले ही रख दी गई थी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज तक पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी ने किसी भी तरह के बड़े मिशन को अंजाम नहीं दिया है। सुपारको का मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है, मगर ये ज्यादातर मिसाइल बनाने का ही काम करती है।